अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब, हो गई हूँ मैं एक अगली वीडियो के साथ हाजिर। तो ये वाली वीडियो भी जो है मेरी मम्मी की तरफ है और सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ जो है वो खा रहे हैं। ये ना, तब हम लोगों की अभी शादी नहीं हुई हुई थी ना, तब मेरी अपी की भी शादी नहीं हुई थी और मेरी भी शादी नहीं हुई हुई थी। तो हम लोग मिलके जो है ना, वो वीकेंड वगैरह पे ना इस तरह से ये नाश्ता करते होते थे। ये हम लोग बनाते थे प्याज और टमाटर और ग्रीन चिली, इन तीनों चीज़ों को जो है ना वो फ्राई करके और उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके तो ये बनाते होते थे। तो बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप लोग पराठे के साथ खाएँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो फिर अब जब मैं मामा की तरफ आई हुई थी ना, तो मैंने कहा कि ये जो है ना, ये मैंने ज़रूर खाना है। तो फिर आज जाना मामा ने ये बना के दिया मुझे और ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा, सिर्फ आप लोगों ने प्याज काटना है छोटा छोटा सा और साथ में इसमें टमाटर ऐड करना है, साथ में उसमें ग्रीन चिली ऐड करनी है। तो उसके बाद सारे स्पाइसेस ऐड करके आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो पका लेना है। मसाला सा जो है ना ये बन जाता है, तो बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब, धूप भी शुक्र है अल्लाह का, आजकल बहुत ही मज़ेदार सी धूप जो है ना वो निकल रही है। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वो इतनी मज़ेदार सी धूप निकली है। तो आज जो है वो मैं किन्नू, मैंने सोचा कि मैं किन्नू ले जाती हूँ ऊपर, और 7-12 बजे के करीब जो है ना मैं और अफान ऊपर आ गए थे और मामा जो है वो सोई हुई थी। और किन्नू जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं ना एक ही बार में सारा इसका जो छिलका है ना वो उतार लूँगी। तो ये देखे मैंने उतार लिए और इसके जो छिलके हैं ना, मैं सोच रही थी कि उनको जो है ना वो ड्राई करती हूँ। तो बस ऐसे ही ना तो ड्राई किए हैं और ना उसका पाउडर बनाया है। और फिर मैं ना तब ऊपर ही थी, तो मामा जब उठी ना तो उन्होंने देखा कि टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो लंच का भी टाइम है। तो वो ना मेरे लिए फिर समोसे मंगवा के और साथ में जो है ना चाय बना के मेरे लिए लेके आई। इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे मज़ा आया ना। तो जब मैं किला आती हूँ ना, तो मामा जो है ना छोटे छोटे से सरप्राइजेज़ जो है ना मुझे देती रहती हैं। तो मुझे ना इन छोटे छोटे सरप्राइजेज़ का मज़ा भी बहुत आता है। मुझे ना सरप्राइज़, मुझे दिल करता है मुझे कुछ सरप्राइज़ दे, तो मुझे ना शौक भी बड़ा होता है। तो बहुत ही मज़ा आता है, ये चीज़ें जो है ना बाद में याद आती रहती हैं। फिर ये खाने के बाद मैं चले गई थी अपनी कज़न की तरफ। कितने दिनों से मैंने उनको कहा हुआ था कि मैं आऊँगी, चक्कर लगाऊँगी। जब भी मैं आती हूँ ना अपनी मामा की तरफ रहने, तो अपनी कज़न की तरफ ज़रूर जाती हूँ। तो मैं बस उनको मिलने जा रही थी। तो मैं फूफो की तरफ गई थी, तो फूफो जो है ना वो बता रही थी कि मकई की जो गुड़ वाली रोटी है ना बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चले मुझे आज ही बना के आप खिलाएँ। तो उन्होंने ना फ़ौरन से जो है ना ये गुड़ वाला आटा गूंदा है। तो ये जो है ना थोड़ा सा मैंने जो है ना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने बनानी हो ना तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा। मकई वाले आटे में ना गुड़ की चाशनी बना के और हल्के से जो गर्म पानी जो होता है ना उसके साथ गूंदा करें। इससे पता क्या होता है, जो आटा है ना वो साथ साथ जुड़ जाता है, रोटी जो है ना वो अच्छी तरह से बन जाती है। नहीं तो आप लोग ठंडा पानी डालेंगे ना तो उससे आटा ही नहीं गूंदा जाएगा। तो आप लोगों ने ना हल्का हल्का सा गर्म पानी लेना है, तो उससे आप लोगों ने आटा गूंदना है। तो ये इन्होंने ना बहुत ही परफेक्ट जो है ना वो रोटी बनाई थी। मैंने भी ना मकई की पहले रोटी कभी नहीं खाई हुई थी वाली, ना चावलों की रोटी ही मैंने खाई हुई है। बहुत ही मज़े की चावलों की भी मीठी रोटी बनती है। तो मकई की गुड़ वाली जो रोटी है ना बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप लोगों ने पहले नहीं ट्राई की ना, तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आटा भी उन्होंने बहुत ही अच्छा सा गूंदा है। अगर गर्म पानी के साथ आप गूंदेंगे ना तो फिर अच्छा गूंदा जाएगा, ये देखें। और साथ साथ जो है ना मेरी कज़न ने जो है ना वो चिकंदर का मुरब्बा भी बनाया था साथ में। इसमें चिकंदर को आप लोगों ने छीलना है और इस तरह से छोटा छोटा जो है ना वो काट लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना पानी ऐड करना है, पानी इतना ऐड करना है कि बस चिकंदर जो है ना वो उसके अंदर जो है ना डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और उसी पानी के अंदर जो है ना चिकंदर जब अच्छी तरह से गल जाएगा ना, तो फिर आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। देखें चम्मच के साथ जो है ना बहुत ही इजीली जो है ना ये टूट रहा है। तो इसी तरह से जो है ना आप लोग चिकंदर अगर आप लोगों को पसंद है या आप लोगों को ज़रूरत है खाने की, तो आप लोग अगर इस तरह से बना के खाएंगे ना तो वाकई में बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने खुद ये ट्राई किया था, तो वाकई में बहुत मज़े का लग रहा था। अगर गर्मियां हैं तो आप लोग इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा। अगर इसी मौसम में खाना है सर्दियों में, तो ऐसे भी खाया जा सकता है। तो ये जो रोटियां ना ये देखें, बनाने का तरीका भी उनका जो है ना वो डिफरेंट ही है। एक छोटी सी प्लास्टिक की शीट इन्होंने नीचे रखी हुई है और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया ताकि रोटी जो है ना वो साथ ना चिपके।
और पेड़ा करके ना तो उन्होंने इसके ऊपर रख दिया, और हाथ के ऊपर जो है ना वो भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और उसी के साथ जो है ना उन्होंने सारी रोटी जो है ना गोल कर लिया। ये देखें तो बहुत ही आसान तरीका मुझे लगा, बहुत ही आसान तरीका लगा, और इस तरह से ना रोटी भी बहुत मज़े की लगती है, ना तो उसके ऊपर कोई खुशका वगैरह लगा होता है, और जो है ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये फिर ना, और इसकी एक और टिप भी है कि आप लोगों ने मकई की जो रोटी है ना, गुड़ वाली ये मीठी रोटी जो है, वो आप लोगों ने हल्की सी आंच पे पकानी है। अगर आप लोग आंच तेज़ कर देंगे ना तो वो फ़ौरन से जो है ना रोटी जल जाएगी। तो आप लोगों ने हल्की सी आंच पे जो है ना ये मीठी रोटी पकानी है, बहुत ही मज़े की जो है ना ये बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने गुड़ वाली नहीं बनानी तो आप लोग चीनी वाली भी मीठी जो है ना मकई की रोटी बना सकते हैं, वो वाली जो है ना वो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे बस मैं उनकी तरफ गई हुई थी, ये जो है ना हम लोगों ने गुड़ मकई की गुड़ वाली रोटी खाई थी, साथ में चाय शाय पी। और मकई की रोटी जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा लेती है, जब आप लोग तवे पे रोटी डालें ना तो फ़ौरन से थोड़ा सा ऑयल जो है ना लगा दिया करें, उससे जो है ना रोटी चिपकती भी नहीं है और बड़े अच्छे से जो है ना पक जाती है। और इसकी आँच भी ये देखें एंड तक जो है ना बिल्कुल स्लो आप लोगों ने जो है ना वो इसकी आँच रखनी है। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो मामा जो है ना वो बना रही थी मटर पुलाव शाम के टाइम, और साथ में बना ली थी घर में ही पकौड़ियाँ। तो ये जो होममेड पकौड़ियाँ ना ये बहुत ही मज़े की और खस्ता क्रिस्पी बहुत ही मज़े की पकौड़ियाँ बनती हैं। आप लोग एक दफ़ा जो है ना ज़रूर आप लोगों ने इस तरह से ट्राई करनी है घर में बना के। तो ये किस तरह से बनती हैं ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए आप लोगों ने लेना है बेसन, उसके अंदर नमक और काली मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दें, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। एक चुटकी के करीब जो है ना बेकिंग सोडा आप लोगों ने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा एक चुटकी के करीब जो है ना बेकिंग सोडा ऐड करना है, और उसके बाद इस सारे को जो है ना आप लोगों ने पानी के साथ इस सारे को मिक्सचर को मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट सी बना लेनी है। और फिर आप लोगों ने इस तरह से ये जो चम्मच है ना इस ये आई थिंक मिलता भी है बाज़ार से स्पेशल, तो वो वाला हम लोगों ने मंगवाया हुआ है पकौड़ियाँ बनाने के लिए। देखें सुराखों वाला चम्मच सा बना हुआ है, इस तरह से आप लोगों ने पीछे से पकड़ लेना है, और ऊपर से जो है ना ये ऐसे डाल डाल के तो आप लोगों ने जो है ना वो ऊपर से चम्मच के साथ उसको सेट करते जाना है। तो इस तरह से जो है ना पकौड़ियाँ इक्वल भी सारी बनती हैं, और ना तो बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी सी, और दरमियाने से साइज़ की पकौड़ियाँ बनती हैं, और क्रिस्पी बहुत बनती हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और फिर इसको आप लोगों ने ना पका लेना है, चाहे फुल चूल्हे पे पका लें और मीडियम चूल्हे पे पका लें, लेकिन लो पे नहीं आपने पकाना, ठीक है। तो ये बस सब पक रही हैं, और जब ये निकलती हैं ना मतलब ऑयल में से जब पक कर निकलती हैं, फिर मैं इसकी ना क्रिस्पीनेस आप लोगों को चेक करवाती हूँ। तो ये देखिएगा ये निकल गई हैं, और थोड़ी सी ठंडी हो गई थी मैंने कहा ताकि मैं हाथ में पकड़ के ना इसको ऐसे आप लोगों की इसकी आवाज़ जो है ना वो चेक करवाऊँ। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये अफान को भी देखें ज़रा साथ साथ जो है ना खड़ा ही होके किचन में जो है ना खड़ा होके साथ साथ खा रहा है इसको, तो वैसे ही इस तरह की चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। और इन पकौड़ियों को ना आप लोग इस तरह से जिप लॉक बैग में ना सेव भी कर सकते हैं, आप लोग इस तरह से इसमें डाल लें और अपने फ्रिज में रख लें, ये एक महीने तक भी जो है ना ख़राब नहीं होती हैं। आप लोगों ने इसको इस तरह से पैक करके तो आप लोग फ्रिज में रख लें तो बहुत ही मज़े की रहती हैं। मैं तो जो है ना अगले दिन तक शादी भी ऐसे ही खाती रही थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। और आप लोगों ने बनाते वक्त ना इसके अंदर इसको पानी के अंदर डिप करके नहीं रखना, डायरेक्ट आप लोग अगर दही में इसी तरह से डाल लेंगे ना तो फिर ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्रिस्पी क्रिस्पी भी रहेंगी और मज़े की भी लगेंगी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ भी बन गई थी, साथ में मटर पुलाव भी मामा बना रही थी वो भी बन गया था, शामी भी फ्राई कर लिए थे। पापा का जो है ये फेवरेट खाना होता है मटर पुलाव, और साथ में शामी जो है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़ेदार सी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों ने इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।